dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we go through our previous chapter, the best Christmas present in the world. जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको कि किस तरह से ऑथर को जो है वो लेटर मिलता है, सीक्रेट ड्रायर से लेटर मिलता है और फिर वो जो है उसी एड्रेस पे जो है कहाँ जाते हैं, ब्रिटपोर्ट में जाते हैं, किससे मिलने के लिए, टू सी मिसेस जिम मैकफर्सन. वहां पे जो है कोनी से मिलने के लिए वो जाते हैं, मिसेस मैकफर्सन से मिलने जाते हैं और किस तरह से इजीली जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं ब्रिटपोर्ट में. और वहां के जैसे कि किसी ने बताया था कि वो नर्सिंग होम में जो है एडमिट हैं, तो इजीली जो है उनको रास्ता मिल जाता है और वो वहां पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे क्या सेलिब्रेट कराया जा रहा है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है और किस तरह से जो है वहां पे जब उनको कोनी नहीं दिखती है, मिसेस मैकफर्सन नहीं दिखती है, जो मैट्रन है वो उनको कहां ले जाती है, एक सीक्रेट रूम में जो प्रोटेक्शन रूम है वहां पे उनको ले जाते हैं. तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. द ऑथर वेंट टू, अब मैंने पहले भी बताया था आंसर कैसे देने हमें, वेंट डिड का क्या हो जाएगा, वेंट. द ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट, ब्रिटपोर्ट गए थे टू सी मिसेस, टू ब्रिटपोर्ट टू सी मिसेस मैकफर्सन से मिलने गए थे. How old was Mrs. Macpherson now? अब Macpherson इस समय कितने साल की थी? 100 साल की, जैसे अभी पहले भी मैंने आपको बताया था. तो कितने साल की थी वो? 100 years की थी. 101 year old. तो यहाँ पे कितने हैं? 101 year old. 101 year old now. तो मिसेस मैकफर्सन वॉज, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वॉज 101, सब कुछ यहीं से लिखना है. मिसेस मैकफर्सन वॉज 100, क्योंकि वॉज है यहाँ पे तो हम भी क्या लिखेंगे, वॉज 101 year old now. ठीक है. और सेकेंड पार्ट में पूछा है वेयर वॉज शी, वो कहाँ है इस समय, कहाँ थी शी, वॉज एट ब्रिटपोर्ट, कहाँ थी वो, ब्रिटपोर्ट में थी और इन नर्सिंग होम, ब्रिटपोर्ट के नर्सिंग होम में थी. तो दिस वॉज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. तो ये दो क्वेश्चन आप घर में करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, अब उन्होंने आसानी से जो है उनको बर्लिंगटन होम जो है आसानी से मिल गया. इनफ देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, और पूरे हॉल में जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा डेकोरेट करा हुआ था, पेपर से सजाया हुआ था. एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और एक कॉर्नर में जो है किसको रखा हुआ था वहां पे, एक क्रिसमस ट्री था जो लाइटेड था विद ए लॉप साइडेड एंजल, और उसके ऊपर जो है उनके कौन थे, एक देवता थे, एंजल था ऑन टॉप. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट, कि मैं, अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया कि मैं उनका क्या हूं, फ्रेंड हूं. कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, और मैं किससे मिलने आया हूँ, मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ. टू ब्रिंग हर, और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ, क्योंकि अभी तक जैसे अभी आगे आएगा कि कोई उनसे मिलने नहीं आता. तो उन्होंने कहा कि मैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं दिया, उन्होंने कहा आई वॉज हर फ्रेंड, मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं जो हूँ टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, और मैं उन्हें देखने आया हूँ और मैं उनके लिए क्या लाया हूँ, एक क्रिसमस प्रेजेंट. अब जो हमारा टाइटल है बुक का, क्या है टाइटल है चैप्टर का, जो है टाइटल क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अब वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या है, वो यहाँ पे जो है सीक्रेट जो है वो पता चलेगा. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, अब जब उन्होंने डाइनिंग रूम में देखा, वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट, सबने क्या पहना हुआ था, एक पेपर हैट पहनी हुई थी. एंड सिंगिंग, और सब जो है गा रहे थे, कोरस गा रहे थे सारे जो लोग हैं मिलके. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मैट्रन थी उसने भी जो है सिर पे क्या पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी, हैट पहनी हुई थी. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझको जब उन्होंने देखा मैट्रन ने, तो वो जो है बहुत ज्यादा खुश हुई. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिंस पाई,
अब उन्होंने जो है मुझको क्या दिया, एक मिन्स पाई, मिन्स पाई यहाँ गुजिया के लिए लिया है, यूज करा है वर्ड कि उन्होंने मेरे को खाने के लिए गुजिया दी, मिन्स पाई दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग अलोंग द कॉरिडोर, अब वो मेरे पीछे पीछे कहाँ तक आई, कॉरिडोर तक आई। ठीक है, मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, अब जब उन्होंने झांके देखा था तो वहां पे मिसेज मैकफर्सन नहीं थी, जहां पे लोग गाना गा रहे थे वहां पे मैकफर्सन नहीं थी, और वो जो है मैथन थी वो उसके साथ कहां तक आई, कॉरिडोर तक आई। शी टोल्ड मी, और उन्होंने उन्हें बताया, शी हैज रेदर कंफ्यूज टूडे, कि आज वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड ड्रेस, कि आज थोड़ा सा वो जो क्या थी बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज थी, नर्वस सी हो रही थी, इसलिए हमने क्या सोचा, व्हाट दे थॉट, कि उनको आज जो है ही हैड अ गुड रेस्ट, कि उनको आज जो शी हैड अ गुड रेस्ट, कि उनके पास उनको जो है आज थोड़ा सा क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, किसको, मिसेस मैकफर्सन को। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे जो है पक्का विश्वास है, क्या विश्वास है, कि वो तुमको देख के जो है बहुत ज्यादा क्या होगी, खुश होगी। क्यों होगी, क्योंकि उनके पास जो है कोई भी ज्यादा लोग जो है नहीं आते हैं, तो वो तुम्हें देख के जो है बहुत ज्यादा क्या होगी, खुश होगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, और कंजर्वेटरी क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी होता है प्रोटेक्शन रूम, क्या होता है, एक प्रोटेक्शन रूम। प्रोटेक्शन रूम मीन्स रक्षा, जिसको बोलते हैं रक्षा कवच, उस टाइप का एक प्रोटेक्शन रूम बनाया हुआ था, कंजर्वेटरी बोलते हैं। विद वीकर चेयर्स, अब वीकर चेयर्स क्या होती हैं, कि जो तिल्लियों से जो है एक चेयर बनाई गई थी, तो वो वहां पे जो है रखी गई थी, वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स, और वहां पे जो है क्या रखी हुई थी, पॉटेड प्लांट्स लगे थे, मतलब गमले रखे हुए थे और जिनमें प्लांट्स लगे हुए थे, ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहां पे जो है, और उन्होंने मेरे को वहां पे छोड़ दिया, कहां पे छोड़ दिया, एक कंजर्वेटरी रूम था, प्रोटेक्शन रूम था, और वहां पे जो है मुझको क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, जहां पे क्या थी, विकर चेयर थी और पॉटेड प्लांट्स थे ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ जो है प्लांट्स थे एंड लेफ्ट मी। द ओल्ड लेडी, अब जो ओल्ड लेडी थी, मिसेस मैकफर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और वो किसमें बैठी हुई थी, एक व्हील चेयर में, देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, मिसेस मैकफर्सन चेयर में बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और जैसे होता है ना जब हम बैठते हैं तो अपने हाथ जो है अपने लैप में गोद गोद में जो है ऐसे करके हाथ रखे हुए थे उन्होंने। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, और उनके बाल जो थे वो कैसे हो गए थे, बिल्कुल व्हाइट, सिल्वर की तरह हो गए थे, चांदी की तरह चमक रहे थे, सिल्वर व्हाइट हेयर पिंड, और उसमें पिन लगाया हुआ था, इनटू अ विस्पी बन, विस्पी बन किसको बोलते हैं हम, कि कंसिस्टिंग ऑफ ए विस्प, फूल का जो है एक जो है गट्ठा जिसको बोलते हैं बन, बन मीन्स ए ड्राई स्टॉक, ठीक है, तो फूल का जो है कंसिस्टिंग ऑफ ए विस्प। शी हैड सिल्वर, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो कंटिन्यूस कहाँ देख रही थी, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, अब कौन कह रहा है कि जो ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हेलो, कहां देख रही थी वो, कंटिन्यूस गेजिंग आउट मैंने कंटिन्यूस बाहर की तरफ देख रही थी। आई सेड शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी, अब वो उन्होंने जब कहा हेलो आई सेड शी टर्न, और वो जो है थोड़ा सा मुड़ी, कौन मुड़ी, मिसेस मैकफर्सन, एंड और क्या करा उन्होंने, लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, अब जो है उनकी तरफ उन्होंने देखा, हैप्पी क्रिसमस कोनी, अब उन्होंने एकदम से बोल दिया कि हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस था तो उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, कोनी को बोला हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, और वो उनके पास गए, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे ये मिला है, अभी उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं करा, उन्होंने उनके पास गया, वेंट ऑन आगे गए, और उन्होंने कहा आई फाउंड दिस, फाउंड में उन्होंने क्या बोला कि आई फाउंड दिस, मुझे क्या मिला, और देखो यहाँ पे जो दे रहे हैं वो एक टिन बॉक्स, आई थिंक इट्स योर्स, उन्होंने कहा मेरे को लगता है कि मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है,
और ये कहाँ मिला था उन्हें, जो उन्होंने क्या लिया था, एक रोल टॉप डेस्क लिया था, उसके ड्रॉज में जो था क्या मिला था उनको, एक टिन बॉक्स मिला था। तो वो उसके पास जाते हैं, आई फाउंड दिस, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, कि मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और एज आई वॉज स्पीकिंग मीन्स कि जब वो उनसे बात कर रहे थे, वेन ही वॉज टॉकिंग विद हर, उससे बातें कर रहे थे, तो हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, किसका फेस, ऑथर का फेस, उन्होंने कंटिन्यूअस जो है वो गेज कर रही, देख रही थी। आई ओपन द, और मैंने क्या करा, उस टिन बॉक्स को खोला एंड गिव इट टू हर, और खोल के किसको दे दिया उन्होंने, कोनी को दे दिया, किसको दिया, आई गिव इट टू हर, गिव इट टू कोनी, दैट वॉज द मोमेंट। अब वो जो मोमेंट था, क्षण था, हर आईज लिट अप, लिट अप मैंने ब्राइट सी होना, ठीक है, जैसे यहाँ पे मीनिंग दे रखा है आपको, बिकेम ब्राइट विथ हैप्पीनेस एक्साइटमेंट, खुशी से जो है उनकी आंखें क्या हो गई, चमकने लगी, एक्साइटमेंट था, जैसे उन्होंने वो टीन बॉक्स दिखा तो वो क्या हुई, थोड़ी सी हैप्पीनेस एंड एक्साइटेड, थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई, व्हेन शी सॉ द टीन बॉक्स, और जब उन्होंने उसको खोला और उनको दिया, हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज, सफ्यूज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे द मीनिंग वॉज गिवेन, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, मतलब जो उनकी हैप्पीनेस थी उसको देख के जो थी वो पूरे चेहरे से तो से क्लियर हो रही थी, इट वॉज क्लियर थ्रू हर फेस की कितना हैप्पीनेस, कितना खुश थी वो, और कितना जो है वो एक्साइटेड थी, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनके चेहरे से जो ग्लो था हैप्पीनेस का, जो इतने समय से जो नहीं था उनके फेस में, सडनली जब उन्होंने जो है, किसने, ऑथर ने जो है उनको क्या दिया, टिन बॉक्स दिया और उसमें से लेटर दिया, तो उनका जो है फेस था क्या हो गया, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एक सडन जो ग्लो था उनके फेस में वो दिखने लगा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और फिर जो है ऑथर ने क्या कहा कि मैंने उनको जो है बताया कि आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और उसको जो उनको जो है किसके बारे में बताया, डेस्क के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने जंक शॉप से उसको परचेज करा था, और उसके लास्ट डेस्क में क्या था, एक लेटर था, लास्ट ड्रॉयर में एक लेटर था, और उस लेटर में जो है जिम ने जो है पूरी जो है उनकी क्या लिखी हुई थी, कि किस तरह से उन्होंने जब उनको वॉर हो रहा था तो किस तरह से टॉमी और ब्रिटिश के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, और किस तरह टॉमी के और फ्रिज के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, और किस तरह से उन्होंने जो है फुटबॉल मैच खेला था क्रिसमस डे के दिन, तो वो सारा जो है एक्सप्लेन करा था उस लेटर में। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको ये जो है टिन बॉक्स मिला, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे उनको मिला था ये, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुझे सुन रही थी या नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है, नहीं सुन रही है, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर उनका ऐसे ही लगा था, शी सेड नथिंग, क्योंकि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा था, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, अपनी जो है उंगलियों से जो है वो क्या कर रही थी, उसको देख रही थी, जैसे होता है ना कि अगर कोई चीज है और एकदम सरप्राइज से सडनली जो है इनको मिल गई, तो वो जो है स्टॉक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों से जो है उसको खोलने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथों से, कोमलता से अपने हाथों से क्या कर रही थी वो, उसको उंगलियों को से उसको सहला रही थी। सडनली शी रीज्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और सडनली क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि वो बाहर आई और मेरा हाथ जो है उन्होंने पकड़ लिया, आउट एंड टुक माई हैंड, हर आईज वो फील्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई, यू टोल्ड मी कि तुमने मुझे बताया था, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, कि तुमने मुझे बताया था कि तुम जो है क्रिसमस के दिन जो है मेरे पास आओगे, डियरेस्ट, अपने हस्बैंड के लिए बोल रही हैं, वो जिम के लिए बोल रही हैं, यू टोल्ड, सडनली मतलब अचानक जो है वो उनके पास जाती हैं और बोलती हैं, एंड टुक माय हैंड, हर आईज वो फिल विद टीयर्स, आंसुओं से भर जाती है, और वो कहते हैं कि तुमने, यू हैव प्रोमिस्ड मी,
क्या प्रॉमिस किया था कि तुम जो है कहाँ कब आओगे, यू प्रॉमिस मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड एंड हियर यू, और यहाँ पे जो है तुम खड़े हो, आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए क्या है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस है कि तुमने मुझे प्रॉमिस करा था और तुम जो है आज मेरे सामने खड़े हो। किसने बोला ये? कोनी ने बोला, ठीक है, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। अब उन्होंने क्या क्या बोला कोनी ने कि और मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो, सिट डाउन, आई सेट डाउन बिसाइड। अब वो कह रही कि मैं जो हूं नेक्स्ट, उनके बगल में जो है बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने क्या करा मेरे गालों में जो है किस किया, आई रेड योर लेटर, उन्होंने कहा मेरा मैंने जो है तुम्हारा पत्र जो है काफी टाइम पढ़ा, सो ऑफन जिम एवरी डे, रोज मैं जो है तुम्हारा पत्र पढ़ती थी, क्योंकि अकेली थी, तो वो कहने लगे कि मैंने जो है रोज जो है तुम्हारा पत्र जो है पढ़ती थी, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, परंतु मैं जो क्या चाहती थी कि तुम्हारी जो है आवाज मैं सुनना चाहती थी, पढ़ती तो मैं रोज थी परंतु अपनी आवाज अपने उससे पढ़ती थी, परंतु मैं चाहती थी, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मेरे को ऐसा लगता था कि तुम जो है मेरे साथ हमेशा साथ में हो, क्योंकि मैं पत्र पढ़ती थी, ठीक है, और मुझे हमेशा लगता था कि तुम क्या हो मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर, और देखो और तुम मेरे पास हो, Now you are back, अब तुम वापस आ गई हो, you can read it to me, अब तुम इसको मेरे लिए पढ़ो, yourself, अपने आप, would you do that for me, क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे, Jim dear, अब वो कहती है कि Jim dear, क्या तुम मेरे लिए पढ़ोगे इस लेटर को, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि तुम अपने आवाज में ये पत्र को रीड करो मेरे लिए, I just want to hear your voice again, और मैं दोबारा जो है तुम्हारी आवाज को क्या करती हूँ सुनना चाहती हूँ, I'd love that so much, and then perhaps we will have some tea, और हमें जो है क्या करना चाहिए कि मैं को जो है love that so much कि मुझे बहुत पसंद है कि तुम्हारी आवाज को मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ, and then perhaps we will have some tea, कि अब मैं जो है क्या पीना चाहते हैं, थोड़ी सी संभवतः क्या है थोड़ी सी चाय, परहैप्स मैंने संभवतः, वी विल हैव कि हमें हमारे पास जो है क्या होनी चाहिए चाय, कुछ चाय लेंगे, वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस, और मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया हुआ नाइस क्रिसमस केक बना रखा है, और मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया हुआ एक केक बना रखा माजीपान ऑल, और जो उसमें डेकोरेशन है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, All around, I know how much you love marzipan. और जो उसका डेकोरेशन है वो तुम्हें कितना पसंद है वो मैं जानती हूँ, I know. तो इस तरह से जो है ये चैप्टर का एंड हो गया है, और किस तरह से उन्होंने जो है जो राइटर हैं वो उन्होंने इसको एक्सप्रेस कराया है कि किस तरह से वो वहाँ पे मिलने जाते हैं और किस तरह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है। तो यहाँ पे हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक, अब क्योंकि अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे कि हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, मिसेस मैकफर्सन को क्या लगा था कि जो विजिटर था वो कौन था, तो कोनी को क्या लगता था कि वो जो है जिम है, और जिम मैकफर्सन जो है वापस आ गए हैं उनसे मिलने आ गए हैं, तो इसका आंसर क्या है कि कोनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज जिम मैकफर्सन, कि कौन है उनका विजिटर जिम मैकफर्सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थिंक का क्या हो जाएगा थॉट, दैट जिम मैकफर्सन Jim McPherson. This sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity. अब किस बात से पता चलता है कि जो विजिटर था उसने आइडेंटिटी
अपनी नहीं छिपाई। तो कैसे पता चलता है? द सेंटेंस आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड केम टू विजिट, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था कि मैं जो हूं उनका क्या हूं, फ्रेंड हुआ हूं, उनसे मिलने आया हूं। मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट शोज दैट द विजिट डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, क्योंकि वो जो है उसका जो मिला था उसको डेस्क में रोल टॉप डेस्क के अंदर जो है उनको तीन बॉक्स मिला था, और किस तरह से उन्होंने उसको शो करा था, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाई थी, परंतु उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उनको लग रहा था कि जिम मैकफर्सन जो है वापस आ गए। अब वर्किंग विद द टैक्सी, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? अब तुम्हें क्या लगता है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे चैप्टर जो है वी हैव कंप्लीटेड, मैं कर चुकी हूँ अभी चैप्टर, वी जस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है जितने आपके क्वेश्चन हैं घर में जाके इसको करें और याद भी करते रहे। तो कोनी हैड कैप्ट दैट लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो टिन बॉक्स में था, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने जो है लेटर को क्या करा था, काफी समय तक जो है अपने पास रखा हुआ था, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कोनी हैड कैप्ट, तो यहाँ पे आएगा कोनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब रीजन देना है तो आप लोग रीजन दीजिए इसमें, क्यों कैसे पता चलता है? ही वाज इट वाज प्रिजर्व्ड बाय हर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, द सीक्रेट ड्रॉयर इज द फर्स्ट इंडिकेशन, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि जो लास्ट ड्रॉयर में था वहां पे एक सीक्रेट ड्रॉयर था और उसमें टिन बॉक्स के अंदर रखा था, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने काफी समय तक जो है लेटर को रखा हुआ था। तो एक तो फर्स्ट रीजन ये है, सेकेंड है इट वॉज सपोज टू बी फॉर फ्रॉम वन रीच, और वहां पे कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता था। इट वॉज रिलेटेड टू देयर फेथ इन क्रिसमस एंड प्रोमिस टू सी अगेन इन फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि मैं क्रिसमस के दिन वापस आऊंगा। तो इसको आप लिख लिए रीजन। व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, कि तुम्हें क्या लगता है कि जो डेस्क था रोल टॉप डेस्क था कब बेचा था? और द डेस्क वॉज फाउंड इन अ जंक शॉप, अब सबको पता है कि कहाँ पे मिला था, वो जंक शॉप में, जंक शॉप, ठीक है। इट वॉज ओल्ड एंड डैमेज, कैसा था सबको पता है कैसा था, ओल्ड था, डैमेज था, बर्न जो है उसमें बर्न मार्क्स थे और ऐसा लग रहा था डैमेज किसकी वजह से हुआ है, फायर एंड वाटर। इट वॉज नो लॉन्गर इन यूज, द इट वॉज लाइंग फॉर द सेल पर्पज, इट वॉज मेंडेड हाफ हार्टेडली, मतलब अच्छे तरीके से जो है उसको मेंडेड नहीं करा था, रिपेयर नहीं करा था। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। वाई डो जिम एंड हैंड्स थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर किसी के बीच में लड़ाई है तो उनको कैसे लगता है कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? तो बच्चों आज हमने जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स घर में कर लें, और जहां पे समझ में नहीं आया तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग जो है घर में रीडिंग पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि तो जितना रीडिंग करेंगे तो आपको आंसर्स भी जो है विद इन द चैप्टर मिल जाएंगे। तो रीडिंग करेंगे सारे बच्चे, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।